अस्सलामु अलैकुम। क्रिकेट विद दानिश के साथ मैं हूं दानिश नेमबासी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कह सकते हैं। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो है कि पाकिस्तान की जो एशिया कप में बेस्ट 11 होगी वो क्या होगी। हाँ, बड़ी मुश्किल है ना, जैसे कोई बना नहीं सकता। मैं बहुत आसान कर रहा हूँ बता के, अरे भाई बहुत आसान है, सबको पता है, बट कोई टॉपिक नहीं था, मैंने सोचा चलो इस पर बात कर लेते हैं। तो एनीवे, तो पाकिस्तान की जो बेस्ट 11 होगी इसमें वो क्या होगी ये मैं आपको बताता हूँ। और पाकिस्तान की बेस्ट 11 में ये वो 11 है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम मैनेजमेंट है एशिया कप में वो बनाएगी। ये मेरी अपनी टीम 11 नहीं है, मैं अगर बनाऊं तो इसमें शायद एक आध चेंज और करूं, लेकिन जो एस एक्सपेक्टेड है वो मुझे लगता है कि ये टीम होगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओपनर्स के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं कि फ़खर जमान और इमाम जो वापस आएंगे इंजरी के बाद खेल रहे होंगे वनडे, अब वो पाकिस्तान के ओपनर होंगे, यानी कि इमाम हो गए हैं और फ़खर जमान। थर्ड ओपनर जो कि मौजूद हैं मोहम्मदुल्ला शफीक, जो मुझे नहीं लगता कि जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं, तो बिला वजह उनको भेजा भी गया है। दानिश भाई लंबी बात हो जाएगी, पहले आप कर चुके हैं इस पर बात, ओके फाइन, चलो इस पर बात नहीं करते, आगे चलते हैं। नंबर चार, सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम, फिर बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, और इनको आगा सलमान लोग कहते रहते हैं, या अली सलमान या आगा सलमान या कुछ और, भाई इनका नाम है सलमान अली आगा, राइट। और उसके बाद होंगे इफ्तिखार। ये चार नाम मैंने क्यों लिए हैं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिनके नाम नहीं हैं वो दो हैं, यानी कि मोहम्मद हारिस और इनके अलावा मौजूद नहीं है तैयब ताहिर, जो कि मुझे फिलहाल खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। शायद खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है तो तब मुझे लगता है कि तैयब ताहिर हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर हारिस खेलते हुए नजर आ सकते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो ये जो चार नाम है ये क्यों है, लेकिन बाबर को तो आप हटा नहीं सकते, रिजवान को भी आप नहीं हटा सकते, सलमान अली आगा की क्योंकि परफॉर्मेंस है और इस नंबर पे बड़े यूटिलिटी वो प्लेयर हैं और साथ साथ वो ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छे ऑलराउंडर जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। और फिर इफ्तिखार की बात करें तो भाई वो तो है ही परफॉर्मर, परफॉर्म करते हुए वो आ रहे हैं, और जब परफॉर्म करते हुए आएंगे, अभी भी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में 90s में रन्स किए थे, तो आप कैसे बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते। कुछ जगहों के लोग हैं जिनको आप बैठा सकते हैं, लेकिन इफ्तिखार को नहीं बैठना भी नहीं चाहिए। साथ साथ अगर बाकी इनके नीचे हम बात करते हैं पाकिस्तान के, तो फिर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मोहम्मद नवाज, और मोहम्मद नवाज के साथ नज़र आ रहे हैं शादाब खान। शादाब खान तो ऑब्वियसली टीम का पार्ट है ही, और साथ साथ जहाँ तक नज़र आ रहे हैं नवाज, शायद वेरिएशन के लिए, क्योंकि एक लेग स्पिनर आपके पास मौजूद है शादाब की सूरत में, तो दूसरा आपको स्लो लेफ्ट आर्म जो है वो मिल जाते हैं नवाज, जो कि गेंद को ब्रेक भी कर लेते हैं। सिर्फ जिस तरह हम इमाद वसीम देखते हैं कि कोशिश करते हैं कि इमाद कंटेन करें, वो इस तरह के लेफ्ट आर्म स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, लेकिन नवाज की अगर आप बात करते हैं तो नवाज गेंद को ब्रेक भी कर लेते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर उसामा मीर जो कि एक और लेग स्पिनर है वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि दो लेग स्पिनर आप नहीं खिलाएंगे, शादाब को भी और उसामा को भी। इस वजह से शादाब के साथ यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं नवाज, इसका मतलब उसामा यहाँ पर होंगे बाहर। फिर अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं तो नसीम शाह जो यंग गन्स हैं आपकी, उसमें नसीम शाह वापस आ चुके हैं, शाहिन शाह अफरीदी फिट हैं और हारिस फिट हैं, ये तीनों फास्ट बॉलर्स खेलेंगे। जबकि दूसरी तरफ फहीम अशरफ जो कि पेस ऑलराउंडर है वो, और मोहम्मद वसीम जूनियर का खेलते हुए मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ये वो बेस्ट 11 है जो बहुत मुश्किल थी, बना नहीं सकता था कोई, मैंने बना दी, कैसा, क्या ख्याल है? अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दानिश नहीं, अब्बासी को दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।